एक दो घंटे के लेक्चर में क्या जाता है, पढ़ाई हाँ सर, पढ़ाई होगा थोड़ा। अरे होगा। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बातें करने लग गए हो आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड गाइस, टुडे विल स्टार्ट दी इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी कंडक्टर। ये नाम सुना है कभी? हाँ सर, हाँ सर, नाम सुना है। ओके, लेट मी नो व्हाट डू मीन बाय द करंट। रिद्धि, करंट का मतलब एनर्जी थोड़ी ना है, सब प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस तो चार्जेस हैं। यस सर। और वो चार्जेस वाला जो काम था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है हमने। बोलो हाँ। अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। इसके बारे में इसमें भी होगा लेकिन चार्ज का फॉर्मेट कम है। जब चार्जेस ट्रैवल करते हैं तब उस जगह का काम है। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैविंग वन कंडक्टर, वही है क्या अपने पास? एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स होते हैं। क्या होते हैं इसके पास? फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री वाइब्रेटिंग एटम। तो जैसे ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होता है, समझ रहे हो आप लोग? जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इसके जो रेस्ट वाइब्रेटिंग एटम है वो चार्ज हो जाते हैं। ये सुनो, किसकी वजह से चार्ज हुए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस सर। यस सर। अब जब पार्टिकल चार्ज हो गए तो क्या करेंगे? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे ना। जब Yes, ये पार्टिकल चार्ज हो गए हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। हाँ सर। तो अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जो भी फ्री वाइब्रेटिंग एटम्स थे वो चार्ज हो गए हैं, और जब चार्ज हो जाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो इसी कंडीशन को कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। ये बात ऑब्जर्व की थी एम्पियर ने। किसने ऑब्जर्व की? एम्पियर। एम्पियर ने ऑब्जर्व किया, इसलिए करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर। सोचो अगर आप लोग किए होते, कितनी सिंपल सी तो बात थी। अगर किए होते तो तुम लोग का नाम लग जाता। करंट यूनिट इज रिद्धि, आइदर आयुष, आइदर खुशाल, आइदर अहमद, कादिर। अच्छा तो अभी कुछ कर लो, अभी तो सर होना चाहिए था तब करना बाकी है ना। हाँ सर होना चाहिए। मतलब कितना पॉजिटिव सोच लेते हैं ना तुम लोग। हाँ सर, बी पॉजिटिव। हाँ अब बताओ, चलो इसका डेफिनेशन बताओ। एक फॉर्मूला दिया मैंने, चार्ज पर यूनिट टाइम इज फॉर करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। यस और नो? यस सर। यस। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सुना आप लोगों ने? इसको एक अलग तरीके से भी लिखते हैं, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यू विल गेट योर मार्क्स। एक फॉर्मेट और भी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सुना सबने? सर रिपीट करो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। सुना सबने? अरे बोलो।
सर। अब गाइस यहीं के बाद इस करंट के फॉर्मूला के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ओम्स लॉ का। किसका है? अच्छा याद रखना, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें इधर उधर हैं तो हम लोग थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है? फिर अब कर दूं चलेगा ना? करंट समझ में आना आप लोगों को? और याद रखना करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में बता चुका हूँ, बोलो। हाँ हाँ। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में कभी सुना है? नाम सुना है ओम्स लॉ? हाँ सर, सुना ही होगा टेंथ में। यस सर। क्या था ओम्स लॉ? क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस ओम्स लॉ क्या था? कैन एनीवन ट्राई? कोई ट्राई करेगा बताएगा मुझे? अरे बोलो। द करंट फ्लोस कंडक्टर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे देखो यहाँ पे अगर कंडक्टर है, ठीक है, अगर 1 एम्पियर का करंट, कादिर 1 आर का है। आप तुम लोगों को क्या हो गया वे? आवर ही जानना, पढ़ाई भी करना है। हाँ कादिर क्या चल रहा है? आज जल्दी छूटना है, आज आप लोगों का लेक्चर 4 घंटे का है। अगर 1 एम्पियर का करंट इस दोनों पॉइंट के बीच में है, दिख रहा है दोनों रेड डॉट, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट। इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस दैट टू पॉइंट दैट शुड बी अ 1 वोल्ट। ये बात को ऑब्जर्व किया ओहम ने। किसने ऑब्जर्व किया? ओहम। ओहम ने क्या बोला? दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? अगर करंट पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 एम्पियर का करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, 3 एम्पियर का करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। समझ में आया? यस गाइस, इसी ओम्स लॉ पे पूरा एक 2 चैप्टर है आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट। ओम्स लॉ के कंडीशन जरा याद रखना। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यस और नो? यस सर। डिफरेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो इफ वी कन्वर्ट इनटू अ इक्वल साइन एट दैट टाइम वी रिक्वायर्ड समथिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, यस और नो? यस सर। अब गाइस जरा बात करते हैं हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पे। सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर हुआ है आप लोगों का, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। हाँ सर। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द कंडक्टर? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। सर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, गुड। रिद्धि, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों में होते हैं, कंडक्टर में भी होता है इंसुलेटर में भी होता है, सुना आपने? हाँ सर, पर कंडक्टर गुड कंडक्टर और इंसुलेटर बैड, मतलब यस। कंडक्टर में फ्री वाइब्रेटिंग एटम, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। आते हैं, विल गो पॉइंट टू पॉइंट।
कंडक्टर, समझ में आया सबको? Yes, which allow the electricity to flow inside the material. Conductor का मतलब समझ में है? Conductor which allow the electricity to flow inside the material. Is that clear everyone? Yes or no all? Yes. What about insulator? What about insulator? बोलो. Insulator does not conduct current. Yes, insulator which does not allow the electricity to flow inside the conductor, either flow inside the material. Conductor is a good conductor which is allow the electricity, either which is conduct the electricity to the material. Insulator which is the bad conductor and it does not allow the electricity to flow inside the material. Is that clear everyone? Yes, sir. Is it clear or not everyone? Yes. Yes. अब गाइस, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों करता है? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों करता है? लेट मी नो. बोलो सर, क्या पूछा? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों करता है? सर क्योंकि इसमें फ्री वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अलाउ क्यों करता है? सर वो मेटल होता है. और कुछ? मतलब खाली मेटल ही गुड कंडक्टर है और कोई नहीं है गुड कंडक्टर? आप लोग भी गुड कंडक्टर हो, आपको पता है ना ये बात? हाँ सर. जब नहीं, जिनको नहीं पता है ना, वो आज बोर्ड होगा आपके घर में, है क्या आप लोगों के घर में बोर्ड? हाँ सर है. तो आज उसकी में उंगली डालना है और स्विच ऑन करना है. जब नाचने लोगे तो समझ जाना यू आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. सर सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी वाली डालने कुछ भी आपको अंदर उसके अपनी उंगली डालना है, कैसे भी डालना है, वो आपका लुकआउट है. तो जब नाचने लगोगे, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को. और रिद्धि, रिद्धि ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा सा ही शौक लगना चाहिए. अपने आजू बाजू में किसी को रखो और उनको बोलो जैसे हम लोग नाचना शुरू करेंगे वैसे आप मारना शुरू कर देना. समझ रहे हो? तो गाइस, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों करता है, ये है मेरा क्वेश्चन. आयुष, रिद्धि, अंजलि, खुशाल, रजत, अरे कहाँ गए सबके सब? है सर. हाँ सर. तो बताओगे सर. भाई कुछ कुछ बताओगे आप लोग? सर आप हिंट दो थोड़ा. अच्छा मैं हिंट दूँ? इस फॉर्मूला में आंसर दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है. रेजिस्टेंस, वेरी गुड अहमद. अच्छा मतलब कम आवाज का रहता है तो कुछ लोग का दिमाग चलता है. गुड गुड. रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है मटेरियल के अंदर. सुना आप लोगों ने? Yes, sir. सुना या नहीं? रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है? Yes, sir. सुना सब लोगों ने? सुने या नहीं? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Yes. जिंदा हो? हाँ सर, अभी तक. हाँ सर. समझ में आया? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है. रेजिस्टेंस क्यों कम होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस और नो गाइस? यस सर. तो सेम कॉन्सेप्ट इंसुलेटर में भी होगा. इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं होने देता?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसके पास, हाँ क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं। यस सर, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। लिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ये लिंक समझ में आया सबको? अब ऐसे मटेरियल का नाम बताओ जो ना ही कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है। क्या सर? ऐसे मटेरियल का नाम बताओ मुझे जो ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है। कुछ भी नहीं है ऐसा सर? जर्मेनियम। ये जर्मेनियम क्या होता है? सर सेमीकंडक्टर। ओके ओके, जर्मेनियम और बराबर है सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सुना सबने? यस सर। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं, जो ना ही कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है। आवाज आई सबको? हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, जो कंडक्टर में रखोगे तो कंडक्टर जैसा वर्क करेगा, इंसुलेटर में रखोगे तो इंसुलेटर जैसा वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? उसके पास ना ही बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना ही बहुत कम रेजिस्टेंस है, मीडियम में है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो गाइस, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कॉमन चीज क्या है? रेजिस्टेंस। बोलो, बराबर है, बोलो क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कॉमन है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस को एज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी क्यों लिया मैंने? यस सर। यस सर, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में कॉमन चीज है और कांस्टेंट है। यस और नो? तो ओम्स लॉ ने पहला फॉर्मूला दे दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है? लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यस। दूसरा लॉ उन्होंने बनाया लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, सो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। और तीसरा लॉ इन्होंने बनाया लॉ ऑफ करंट, I is equal to V upon R. V by R. समझ में आए तीनों लॉज? Yes sir. Yes or no guys? Ohm's law heading लिखो, ये पूरा formula लिखो। और हेडिंग दे के लिखना, पहला लॉ लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड लॉ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड लॉ लॉ ऑफ करंट, इस तरीके से लिखना। समझे? हाँ सर। Done everyone? Yes sir. समझ में आया उन लोग? हाँ सर। आज से कोई पूछेगा तो याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर, एकदम। अक्का? Promise. Okay. अब निकालो जरा numerical page आप लोग। Numerical page निकालो। निकाले? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ पे, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोस थ्रू एन
ऑटोमोबाइल हेडलाइट दिखाई दिया पेज नंबर 220 सेकंड लास्ट क्वेश्चन एवरीवन सबको दिखा अरे बहरो दिखाई दिया कि नहीं हाँ सर दिखा ना हाँ सॉल्व करो उसको सर कौन सा क्वेश्चन था मेडिसिन एफ वगैरह पेज नंबर 220 सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर आंसर आया पर डिफरेंट आया आंसर आया बट डिफरेंट आया हाउ इज इट पॉसिबल गिवन में क्या था ये बताओ करंट दिया है 4 एम्पियर एक सेकेंड ये रब कर दूं ना सब लोगों ने लिखा था ना हाँ सर हाँ बोलो करंट 4 एम्पियर फोर एम्पियर और टाइम दिया है कितना 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1296000 1269000 टू मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 है ना तो क्या होगा हाँ 1296000 ये जीरो और ये जीरो 12 टू वन कैरी फॉरवर्ड 2672000 ना यस सर हाँ सर मैंने इधर ही गलती की हाँ इतना बड़ा वो भी गड़बड़ किया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दी हेडलाइट इन टाइम ऑफ टू आवर्स तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है राइट right? तो करंट का फॉर्मूला क्या था करंट का फॉर्मूला क्या है चार्ज अपॉन टाइम तो हम लोग इस चार्ज को क्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एन इनटू ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अ नंबर ऑफ टर्न्स आइदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में इनटू अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम ठीक है हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे और याद रखें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1.8 1.6 10^9 -19 कूलम क्या बोल रहे हो यार आप लोग
एन फाइंड आउट करेंगे क्या होगा, एन इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन ई. क्या अब कैलकुलेशन हो सकता है क्या? यस सर. डू इट. डन सर. डन एवरीवन. क्या मिला? 1800×10^19. 1800. हाँ, उसको 1.8 कर देंगे तो 10^23 हो जाएगा. राइट है, राइट है. बाकी सब सर आया आंसर? आया. हाँ सेम. हाँ सर, मेरा भी आया सेम. अक्का ना? हाँ सर. 1.8×10^23. आगे बढ़ जाएं? यस सर. नाउ गाइस लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस के बारे में बताओ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. यूज टू मेजर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या मेजर? करंट. हाँ. रेजिस्टेंस पूछा है मैंने. रेजिस्टेंस बड़ी मीम आती है. रेजिस्टेंस एवरीवन. अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ क्यों कर पा रहा था. रेजिस्टेंस के वजह से. रेजिस्टेंस कम होने के वजह से. यस और नो? यस सर. और इंसुलेटर क्यों नहीं अलाउ कर रहा था? रेजिस्टेंस ज्यादा होने से. तो रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? रुकाता है. अपोज करता है, है ना? हाँ सर. रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? अपोज. लिख लो ये वाला पॉइंट, लिख लो. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. राइट डाउन. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन टू. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन टू flow of current to flow of current in the electric circuit. A resistance of a conductor is the opposition to flow of current in the circuit, in the electric circuit, in the electric circuit. Done sir. Done everyone. रेजिस्टेंस को किसने ऑब्जर्व किया? ओम. ओम. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओमेगा. हैं? ओम. ओमेगा क्या होता है सर? वो वाला ना उल्टा यू जैसा है ना, मटका, उल्टा मटका, उसको ही बोलते ना ओमेगा.
मटका क्या होता है? नहीं वो ओम है, ओम ओम बोलते हैं इसको, उल्टा मटका थोड़ी ना बोलते हैं, क्या है रिद्धि ये? हाँ कुछ भी, उल्टा चश्मा मतलब जो मन में आया बोल दिया। चलो ठीक है, याद रखने का अपना तरीका आप लोग बना सकते हो, कोई गलत नहीं है ये, ठीक है? यस सर। लेकिन ऐसा बोलना नहीं है उल्टा मटका, हम लोगों की बेइज्जती होगी। समझ आया? ये समझे सर? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस CONDUCTANCE कंडक्टेंस सर रिपीट कर। CONDUCTANCE कंडक्टेंस लिखे। यस सर। लिखो नेक्स्ट लाइन में द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं हम लोग। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टेंस, मतलब 1/R, ठीक है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? V upon I. तो I ऊपर जाएगा क्या होगा? I upon V. इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। ओमेगा नॉट ओमेगा, ओहम। ओहम बोलते हैं सिंबल का नाम ओम है। बोलो ओम। ओम शांति शांति ओम। यस सर। समझे? बोलो हाँ 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 सर। ये लिखो फॉर्मूला लिख लो। राइट डाउन दिस फॉर्मूला। डन सर। डन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेजिस्टिविटी। Write down the next heading resistivity. लिखे? हाँ सर। Resistivity का मतलब क्या था? अच्छा resistivity के आगे लिख लो specific resistance ताकि आप लोगों को याद रहे। Resistivity के आगे लिख लो specific resistance। कभी नाम सुना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का? नो सर। यस सर। टेंथ में सुना होगा? हाँ सर। हाँ तो बताओ व्हाट डू मीन बाय द रेजिस्टिविटी? डायट सर। अपना नाम सुने हो तुम लोग या वो भी शायद है? हाँ सर सुने। हाँ बताओ रेजिस्टिविटी टेंथ में था? मेजर। मेजर क्या? रेजिस्टेंस का। नहीं आयुष, रजत, खुशाल, अंजलि, व्हाट अबाउट यू गाइस? ये लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है, ये लोग अंधा लोग हैं। अरे बोलो। पावर ऑफ करंट टू फ्लो। नो नो। देखो मैंने रेजिस्टिविटी के साथ दूसरा नाम क्या लिखाया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। टू अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो रेजिस्टिविटी में भी करंट को अपोज करते हैं। रेजिस्टिविटी में भी करंट को क्या करते हैं? अपोज करते हैं पर्टिकुलर एरिया में। समझ रहे हो? यस सर।
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों एक ही चीज है. रेजिस्टेंस में भी करंट को अपोज किया जाता है और रेजिस्टिविटी में भी करंट को अपोज किया जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक होता है, रेजिस्टेंस टोटल होता है. जैसे आप लोग एक पेन ले लो, एक कैप वाला पेन ले लो. यस सर. लिया सब लोगों ने? यस सर. कैप वाला पेन. हां सर. अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो जब रेजिस्टेंस की बात करोगे तो पूरे पेन का रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा. समझ रहे हो? रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मतलब अगर आप इस पेन का रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो कंप्लीट पेन का रेजिस्टेंस आपको बता देगा जब रेजिस्टेंस की बात करोगे. लेकिन जब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे ना तो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक होता है. मतलब अगर पेन में मैं बोलूंगी सिर्फ मुझे कैप का ही रेजिस्टेंस चाहिए तो स्पेसिफाई कर रहा हूं ना. स्पेसिफिकेशन समझते हो आप लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने स्पेसिफाई कर दिया कंडक्टर में कि मुझे सिर्फ कैप का ही चाहिए, बाकी सबका नहीं चाहिए. तो कंडक्टर में जब हम लोग किसी भी छोटे से एरिया को स्पेसिफाई करते हैं या फिर बड़े से एरिया को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब जब बात स्पेसिफिकेशन की आ जाती है तो वहां पे रेजिस्टिविटी वर्क करता है. मतलब देखो यहाँ पे मैंने कंडक्टर बनाया है, जब पूरे कंडक्टर की बात करेंगे, अगर पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे. लेकिन इस कंडक्टर में छोटे से एरिया का मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ इतनी ही जगह का रेजिस्टेंस चाहिए, तो अब ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी समझ में आ? रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक है और रेजिस्टेंस टोटल है. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. रेजिस्टेंस क्या है? टोटल. और रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. सुना सबने? काम दोनों में सेम होता है. करंट को अपोज करने का. लेकिन रेजिस्टिविटी में स्पेसिफिक होता है, सिलेक्टेड होता है, और रेजिस्टेंस में टोटल होता है. डायरेक्ट वो बता देगा टोटल का. समझे आप लोग? यस सर. यस सर. पॉइंट वही लिखने का है. समझ में आया आप लोगों को? पहले ये डिफरेंस होता है और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस यस सर. यस सर. आवाज आ रही है गाइस? सर पॉइंट वही लिखने का है. अभी नहीं, कुछ लिखना नहीं है. पहले डिफरेंसेस समझ में आए? आज से अगर कोई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस पूछेगा तो बता पाओगे? यस सर. रेजिस्टेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. स्पेसिफिक मतलब जितना हाईलाइट करेंगे उतने ही जगह का रेजिस्टेंस, पूरा नहीं. यस सर. क्लियर ऑल? यस सर. यस सर. अब रेजिस्टिविटी का हेडिंग दे दो. यस सर. दिए? राइट डाउन. रेजिस्टिविटी इज द, सॉरी ये मत लिखो, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं तुम लोगों का डेफिनेशन ताकि आप लोगों को इजी रहे. राइट डाउन. बोलू? यस सर. रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. I repeat, resistivity of a material is the resistance of wire of unit length and unit area of cross section. Unit area of cross section.
ठीक है सबने। यस सर। ये इसका डेफिनेशन है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब गाइस स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनना है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया बोला है तो हमें पता नहीं है कि कौन न्यूमरेटर में है और कौन डिनोमिनेटर में है। तो इसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सुना आप लोगों ने, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो दोनों को साथ में लिख लेंगे, लेंथ न्यूमरेटर में है और एरिया डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इफ वी कन्वर्ट इनटू अ इक्वल साइन एट दैट टाइम वी रिक्वायर समथिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में रो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? रो। रो यहाँ पे रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अगर मैं रो फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, आर इंटू ए अपॉन एल। यस और नो? यस सर। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगर मैं यूनिट फाइंड आउट करूं, अगर यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो आर का यूनिट क्या है? ओम। सुनो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनटू मीटर। यस और नो? यस सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। तो छापो और क्या सर, अपने वो रो को क्या बोला था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डन सर। डन ऑल। Yes or no? Yes or no, guys? हुआ? हाँ सर। यस सर। डिपेंडेंट न्यूमेरिकल दूं? न्यूमेरिकल दूं? यस सर। चेक दिस न्यूमेरिकल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस? फर्स्ट वन। कौन सा? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन गाइस। पहले गिवन चेक कर लो सब लोग। क्या गिवन में मिला? लेंथ। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10^3 मीटर। आगे sir. आगे एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। रेजिस्टेंस 6 × 10⁻¹। पहले सेंटीमीटर है तो मीटर में नहीं कन्वर्ट करोगे? हाँ सर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेंटी की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसका भी स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर का भी होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट शुड बी 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझे सब? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट
रेजिस्टिविटी दी है स्टील का कितना 6 × 10⁻¹ ओम मीटर 6 × 10⁻¹ ओम मीटर फाइंड आउट क्या करना है रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है तो टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा वहां पे वो मिसगाइड करने के लिए दिया हुआ है तो सारे गिवन आप लोगों के सामने हैं स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन Done, sir. Done, everyone. Let everyone complete, huh? Rishabh, keep your mic on mute. Rishabh. And let me know everyone, you all are done or not? Done, sir. Okay, what about else? Kadir, Ahmed, Rajat, Kushal. Formula kya tha? Kya tha formula? R is equal to L upon A. सिंपल ही है ना हाँ सर हाँ सर तो क्या होगा रो क्या था 6 × 10⁻¹ −8 ओके लेंथ कितना था 20 × 10³ मीटर 20 × 10³ ओके डिवाइड बाय 25 हाँ × 10⁻¹⁴ −4 तो −4 को हम लोग क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा अच्छा एक गिवन लिखा सब लोगों ने गिवन रब कर दूं हाँ सर एक सेकंड गाइस ओके तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सारे पावर को सॉल्व कर लेंगे 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या होगा +4 यस सर तो 6 × 20 × 10⁻¹ रिमेन रहेगा क्योंकि 10⁻⁷ −10⁸ सो इट विल रिमेन ओनली 10⁻¹ यस और नो यस सर यस और नो एवरीवन यस सर 5 × 4 = 20 5 × 5 = 25 राइट यस सर 24 / 5 4.8 × 10⁻¹ अरे रेजिस्टेंस है ओम ओम रहेगा खाली रिद्धि भूल गए उल्टा मटका हाँ सर याद रखो भाई
लेट मी नो जो हुआ समझ में आया या नहीं। हाँ सर समझा। बाउंस तो नहीं गया? नहीं समझा सर। अहमद समझा सर। रजत खुशाल रिद्धि समझा सर। समझा सर। हाँ सर समझा। तुम तो ओम स्लॉ के बारे में बताओ। ओम स्लॉ के बारे में क्या बताया मैंने? ओम स्लॉ के बारे में क्या बताया बोलो। अरे खो गए क्या सब लोग? ओम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किस कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस है? करंट। डोंट फॉरगेट टू टेल करंट दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? यस सर। आइदर वी कैन राइट दैट पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड आफ्टर दैट ही क्रिएटेड द थ्री फॉर्मूलास। व्हाट वाज दैट? V is equal to R into I, law of potential Let difference. Let me know the name of that law. Let me know law, the name of that law. Law of potential difference. V is equal law to potential R into difference. I. V is equal to I into R. Samjhe? Haan, sir. Next, kya tha? Law of resistance, which is law I of resistance. V upon I. Yes. After that? Law of current, which is I is equal to U upon R. यस ऐसे याद रखो ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? रेजिस्टेंस टोटल है, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम और ज्यादा हम लोग बोल रहे हैं ना, मतलब चीजों को स्पेसिफाई कर रहे हैं ना। यस सर। स्पेसिफिकेशन का मतलब समझते हो ना? जैसे कि अगर आप लोग सब लोग पास हो जाओ तो हम लोग बोलेंगे क्लास का रिजल्ट 100% है, लेकिन अगर उसमें से किसी ने पूछा कि भाई 90% कितने लोगों का है तो हम लोग कुछ ही नाम लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुष हो गया, रिद्धि हो गई, रजत हो गया, कादिर हो गया, अहमद हो गया, खुशाल हो गए, बाकी सब भी हो गए, तो मतलब कुछ लोगों का आएगा तो हम लोग कुछ ही लोगों का नाम लेंगे। तो हम लोग कुछ लोगों को क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं ना। यस सर। स्पेसिफिकेशन का मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा या फिर ज्यादा। अगर सारे लोगों का पूरे क्लास का आएगा तो हम लोग पूरे क्लास के स्टूडेंट का नाम लेंगे एक एक करके। तो सबका नाम ले रहे हैं मतलब सबको क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो याद रखना स्पेसिफिकेशन कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। इसी बात पे आप लोग जा सकते हो। विल स्टॉप इट एवरीवन। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर।